सर्दियों का मौसम हो और तिल की रेसिपीज ना बनाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज की हमारी रेसिपी है तिल बुग्गा। इस रेसिपी को बनाते हुए हमने इंग्रेडिएंट्स का जो रेशियो यूज़ किया है वो इतना परफेक्ट है कि आपके तिल बुग्गा एकदम बढ़िया बनकर आएंगे। और यहाँ पर मैं दो तरह के तिल बुग्गा बनाने वाली हूँ, एक थोड़े छोटे साइज़ के और साथ में हम बनाएंगे थोड़े बड़े तिल बुग्गे, क्योंकि जनरली मार्केट में इसी तरह के थोड़े बड़े साइज़ के तिल बुग्गा मिलते हैं, बल्कि और ज़्यादा बड़े मिलते हैं। बट हम दो तरह के साइज़ के तिल बुग्गा आज बनाने वाले हैं। और मुंह में घुल जाने वाली इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स। तो तिल बुग्गा बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम्स तिल। हमें सफ़ेद तिलों का यूज़ करना है, साथ ही इसे लो फ्लेम पर हम बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तिल को भूनते हुए हमें इसके अंदर घी वगैरह ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे तिल लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इन्हें कढ़ाई से एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तिलों को हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है और जब तक तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है मावे को भूनने का। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 400 ग्राम्स मावा। लो फ्लेम पर हम मावे को बहुत ही हल्के कलर चेंज होने तक इसे भून लेंगे। मार्केट के जो बना हुआ मावा आता है वो थोड़ा कम पका हुआ होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मावे को पहले भून लें। इस स्टेप की वजह से न केवल तिल बुग्गा खाने में बहुत अच्छा बनेगा बल्कि इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगी। सर्दियों के मौसम में आप इसे एक हफ्ते बिना फ्रिज के रख सकते हैं, और अगर आप इसे ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मावे का कलर चेंज हो चुका है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और जितनी देर में हमने मावे को भूना था उतनी देर में हमारे तिल भी एकदम ठंडे हो चुके हैं, और अब बारी आती है इन्हें पीसने की। तिल पीसने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि तिल पूरी तरह से ठंडे हों, किसी भी हाल में ज़रा से भी तिल गर्म नहीं होने चाहिए। और अब पल्स मोड पर हम तिलों को एकदम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तिल पिसकर एकदम तैयार है। और अब बारी आती है सारे चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करने की। तो यहाँ पर जो खोया था वो भी लगभग आधा ठंडा हो चुका है, बस इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल को। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसे हुए तिल का पाउडर, और इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बूरा। यहाँ पर बूरे की क्वांटिटी है 200 ग्राम्स। बूरा हमें बारीक वाला ही यूज़ करना है, मोटा बूरा यूज़ नहीं करना है। और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड किया है लगभग आधा कप बारीक कटा हुआ काजू। तिल बुग्गे में हम सिर्फ काजू का यूज़ करेंगे, बहुत तरह की मेवा का यूज़ नहीं करेंगे। और बढ़िया खुशबू के लिए मैंने इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। अब सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। शुरुआत में ये मिक्सचर आपको ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे हाथ से मलते जाएंगे ये बाइंड होने लगेगा। लगभग 4 से 5 मिनट तक हमें इसे हाथों से अच्छे से मलना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अब बाइंड होने लगा है। इस तरह से हथेलियों के बीच में प्रेस करें और आप देख सकते हैं कि ये एक फर्म शेप ले रहा है। और साथ ही हमें चाहिए बारीक कटा हुआ पिस्ता, इससे हम तिल बुग्गे को गार्निश करेंगे। और यहाँ पर मैं एक ड्रिंक का यूज़ कर रही हूँ तिल बुग्गा बनाने के लिए, आप किसी बोल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस रिंग में इस मटेरियल को रखें तो इसे अच्छे से प्रेस करते जाएं ताकि ये एक फर्म शेप ले ले, और इस तरह से बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। आप चाहें तो ऊपर से इसे पिस्ता से गार्निश करने के बाद में इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास में इस तरह का रिंग नहीं है तो आप किसी छोटी बोल से भी तिल बुग्गा बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बोल ली है, इसके तले में सबसे पहले मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता डाला है, और उसके बाद में हम इस मिक्सर को इसके अंदर सेट करेंगे। जैसे जैसे मिक्सर डालते जाएं इसे अच्छे से प्रेस करते जाएं, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से प्रेस नहीं किया तो ये बोल से निकालते हुए टूट जाएगा। तो इस तरह से इसे हथेली से अच्छे से प्रेस करें ताकि ये एकदम फर्म शेप ले ले। तो इस तरह से इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है, और अब बारी आती है इसे बोल से बाहर निकालने की। हल्का सा इस तरह से आप इसे टैप करेंगे तो ये बोल से आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा बड़े साइज़ का तिल बुग्गा बनकर तैयार है, और अभी मैं आपको तीसरी तरह से भी तिल बुग्गा बनाना दिखा रही हूँ। और फिर से हम रिंग का यूज़ करेंगे। इस तरह से इसे हथेलियों के बीच में रखें, थोड़ा सा पिस्ता इसके बीच में डालें। ठीक उसी तरह से हमें इसको अब सेट करना है जैसे कि हमने तिल बुग्गा बोल से तैयार किया था। जब हम पिस्ता पहले ही इसको तली में डाल देते हैं तो ऊपर से हमें पिस्ता चिपकाने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर आपने पिस्ता चिपकाते समय थोड़ा इसे ज़्यादा प्रेस कर दिया तो हो सकता है कि ये टूट जाए। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इन्हें बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये हल्के प्रेशर के साथ में रिंग से बाहर आ जाते हैं।
और इसी तरह से हमें बाकी के तिलबुग्गे भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए हमारे तिलबुग्गा देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। वैसे तो आप छोटा या बड़ा किसी भी साइज़ का तिलबुग्गा बना सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक द स्मॉलर वन, क्योंकि आप इस एक पीस को एक बार में फिनिश कर सकते हो। एक सिंगल पर्सन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सफिशिएंट है। तो आज की इस टेम्पटिंग सी रेसिपी को आप इस मकर संक्रांति और इस विंटर्स के दौरान ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।